को फोन करो। गाड़ी के नीचे आने की वजह से उसकी मौत हुई है। औरत की उम्र लगभग 30-32 साल। क्या लगता है, एक्सीडेंट है या कुछ और? सर अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि एक्सीडेंट है या सुसाइड, लेकिन जिन जिन लोगों ने देखा है उनका यही कहना है कि एक्सीडेंट ही है। उसके पास कुछ मिला, मोबाइल पर्स कुछ भी? मोबाइल तो नहीं मिला सर, लेकिन ये पर्स मिली है, इसमें कुछ पैसे है, लेकिन इसे आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ भी नहीं मिला। 100 पे किसने फोन किया था? सर मैंने किया था। तुम जानते हो इस औरत को? नहीं साहब, मैं भी इसके साथ में रोड क्रॉस करने के लिए खड़ा था, सिग्नल चालू था, सब लोग वेट कर रहे थे। पता नहीं इसको अचानक क्या हो गया, एक तेजी से आती हुई गाड़ी के आगे आई और गिर गई। गिर गई या किसी ने धक्का मारा? वो तो नहीं मालूम साहब, मुझको लगता है जरूर चक्कर आकर गिर गई होगी। आप में से कोई इसे जानता है? का नाम पता कुछ भी? पहले कभी इस एरिया में देखा इसे? अरे तुम तो पहचानते होगे इस औरत को, मतलब सब्जी वब्जी खरीदने आती होगी। साहब मैं इस एरिया में सब्जी नहीं बेचता हूँ, जिस एरिया में मैं सब्जी बेचता हूँ ना वहाँ पे म्युनिसिपैलिटी की रेड पड़ी है। सर मौके पे मौजूद सभी लोगों का यही कहना है कि एक्सीडेंट ही था। सर मैं इस औरत को नाम से तो नहीं जानता हूँ सर, आगे वाली गली में कविता अपार्टमेंट में काम पे जाती है। दादो बॉडी का मोबाइल से फोटो निकालो। इसे पहचानते हो? हाँ साहब, ये शांति है, इसी बिल्डिंग में चौथे माले पे बनकर साहब के यहाँ काम करती है। मिसेज बनकर जी कहिए। चार साल से वो हमारे घर में काम करती थी सर, पर हमने उसे कभी काम वाली बाई नहीं समझा, घर के मेंबर की तरह रखा। अपना घर समझ के काम करती थी, बहुत ईमानदार और मेहनती भी थी। आपने कभी सुना कि उसका किसी के साथ झगड़ा या किसी के साथ कोई दुश्मनी? नहीं सर, मतलब कभी कहा नहीं था उसने ऐसा। उसके घर में कौन कौन है, वो कहाँ की रहने वाली थी? जलगांव की रहने वाली थी, और उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ के अलावा और कोई नहीं है। दादो उसके घर के डिटेल्स ले लो और उसके घर पे इन्फॉर्म करो। ओके सर, आइए। कुछ गलतियां इंसान जानबूझकर करता है और सोचता है कि वक्त के साथ वो भुला दी जाएंगी और उनके निशान खुद ब खुद मिट जाएंगे, लेकिन कहते हैं ना कि अच्छे बुरे कर्म का फल यही इसी दुनिया में भुगतना पड़ता है। और एक दिन अचानक अतीत में से कोई गलती सामने आकर खड़ी हो जाती है और वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी बर्बाद कर देती है। इस केस में गलती किसकी थी और इससे कितनी जिंदगियों में भूचाल आने वाला था, यही है हमारा आज का एपिसोड। विक्रोली सिग्नल पर हुई शांति की मौत से कई अध्याय खुलने वाले थे। देखने में तो ये एक्सीडेंट का केस लग रहा था और चश्मदीद भी यही कह रहे थे, लेकिन आगे चलकर ये केस परत दर परत कई राज खोलने वाला था। के जी, कौन है ये? कहां से उठा के लाए उसे? अरे अनाथ है बेचारी, अपना भाजी वाला है ना रामदारी, वो जानता है इसको। बोला था अच्छी ईमानदार लड़की है, मेहनती है, घर का सब काम भी जानती है। गांव कुठला तुझा? कोल्हापुर। इससे पहले कोई काम किया है? राम चाचा के उधर। ठीक है चलो मेरे साथ। कहाँ लेके जा रही है उसको?
दो मिनट शांत बैठ गया। अरे जवान लड़की को घर में काम पे रखना है ना, कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। अरे बहन जी, बहुत अच्छी लड़की है, किस्मत की मारी है बेचारी। अब इसकी माँ थी लेकिन दो महीना पहले वो भी गुजर गई, अब उसका हालचाल लेने वाला कोई है नहीं, इसलिए सोचा आपकी हलक जाए तो। नहीं, अगर इतनी अच्छी है और मेहनती है तो तुम क्यों निकाल रहे हो काम से? नहीं नहीं, निकाल नहीं रहे हैं मैम साहब, जवान बच्ची है, यहाँ रास्ते पर ठेले पर भाजी तरकारी बेचेगी, कल कौन ऊंच नीच हो गया तो अखा मखा बदनामी होगी, इसलिए सोचे कि आपको तो काम वाली की जरूरत है ही है और इसको भी घर में रहने मिल जाएगा इज्जत से। घर पर रखूंगी लेकिन काम के वक्त, 24 घंटे के लिए मैं भी किसी लड़की की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती। 7 बजे आएगी, 6 बजे तक काम करेगी, रात के खाने की तैयारी करके उसको मैं रात को तुम्हारे यहाँ भेज दूंगी और दिन का 100 रुपए दूंगी, अगर मंजूर है तो बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल मंजूर है, मंजूर है। ए बेटा एक काम करना, वहाँ से काम खत्म करके सीधे यहाँ ठेले पे आ जाना है, अब फिर हम लोग दोनों साथ में ही घर चलेंगे, है? ठीक है मेरे साहब। ठीक है, चल गए। कहीं हवा होता का? नहीं मला कहीं ना, तुझे कुछ चाहिए क्या? कुछ चाहिए तो बोल मेरे को, शर्माना मत। ए साक्षी बेटा, क्या हुआ, ऐसे ऐसे भाग के क्यों आई है? कुछ नहीं, वो कुत्ता पीछे पड़ गया था। नहीं अकेले आने में डर लग रहा है तेरे को, है? साक्षी बेटा, बेटा कोई प्रॉब्लम है तो हमको बोलो। साहब पैर उठाओ ना, मेरे को पोछा मारना है। पूरे 10,000 है, अभी जो कुछ भी हुआ
उसे भूल जाओ। भाई तू कशल होगा तिलक। मैं जो बता रही हूँ ध्यान से सुनना, ये बात बाहर किसी को भी पता नहीं चलने चाहिए। अगर किसी को कुछ बोला तो मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगी चोरी का इल्जाम लगा के, फिर वहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए, समझी? डिस्टर्ब नहीं करने का, चल जा। पूरे 10,000 है, अभी जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। अगर किसी को कुछ बोला तो मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगी। ए साक्षी बेटा, मेल खाएगी? ए साक्षी, भेल खाएगी? भूख लगी है कि नहीं? जाओ भैया, मैडम को भूख ही नहीं लगी। मैं जानता हूं तू कैसी लड़की है। रुक, कुछ नहीं होगा। साथ साथ, छोड़ दो। ना, सारा रोमांस तो मोबाइल पे ही करती है, मिलने पे तो छूने भी नहीं देती। सुन मैं क्या बोलता हूँ, गोवा जाएंगे ना, न्यू ईयर भी आ रहा है, मजा आएगा। जा नहीं रही मेरी। साक्षी कहाँ गई थी तू? नेमकं आठवण सांगा काय झालं होतं? नीट आता आठवत नाही साहेब, पण नक्की चोरच होते। क्या ना पीछे से आए, सर पे वार किया, गिर गया। ये देखो ना, सब घड़ी चेन पॉकेट सब कुछ मार के लेके गए साहब। किसी की शक्ल याद है? आता आठवत नाही साहेब, क्योंकि वो लोग पीछे से आए और डंडे से वार किया मेरे सर पे, मैं आगे गिर गया, इसलिए क्लियरली देख नहीं पाया साहब मैं। पाटिल सर, एनजी कंप्लेंट लूंगा। मामा, पुलिस स्टेशन में आपने कहा था कि आपका वाले चोरी हो गया है, पर ये तो यहाँ पड़ा था, मतलब आपने झूठी कंप्लेंट लिखवाई। डिटेक्टिव बनने के तेरे को? हाँ, स्वतः आप बेस अगड़े लक्ष्य दे, मेरे लफड़े में मत पड़। सर, एक सुजीत साड़ुन के नाम का आदमी है जिसके सर पर किसी ने रॉड मारा और उसकी सोने की चेन और पर्स लेकर भाग गया। सर, ये सुजीत उसी फैमिली का है जिसकी मेड का कुछ ही दिनों पहले रोड एक्सीडेंट हुआ था। अजीब बात है, एक ही घर में 2 हफ्ते के अंदर उस घर की मेड का रोड एक्सीडेंट होता है और दूसरे पर रॉड से हमला, ये इत्तेफाक तो नहीं लगता है। इनमें से कोई कुछ बोला है क्या? नहीं सर, सभी लोगों का यही कहना है कि ना ही किसी ने उसे मारा है और ना ही कोई चोरी की। यादव, ये हो सकता है कि कोई बाहर का गैंग हमारे एरिया में काम कर रहा हो, या फिर वो सुजीत हमसे झूठ बोल रहा हो। ये सुजीत की हिस्ट्री निकालो, पता करो कैसा आदमी है। ओके सर। ये फोटो कहाँ से है तेरे पास? ये वो उधर ही घर पे पड़ी मिली मेरे को। अच्छा, जा जा काम पे, जा देर हो रही है, जा। सर, ये बनकर साहब के यहाँ नई काम वाली शक सही निकला, शायद ये सुजीत सालुंके ने झूठी एफआईआर की है। हमने जब इंक्वायरी की तब पता चला कि एक नंबर का कामचोर इंसान है, बस बैठे रहता है और खाते रहता है। कई लोगों का कर्जा है इसके ऊपर, कई बार तो बैंक वाले भी इसे उठाकर लेकर गए। सुजीत सालुंके? हाँ, पुलिस लेकर जाएगी तो पूरी सोसाइटी में आपकी बदनामी होगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप हमारे साथ चलकर बैंक में आकर बात कर लीजिए और जो सेटलमेंट करना है कर लीजिए। और कोई इन्फॉर्मेशन? सर, इसकी एक नहीं
रोज की कहानी है। हर रोज इसे कोई ना कोई तो उठा कर लेकर जाता है और इसकी बहन इसे छुड़ा कर लाती है। ये रहता भी अपने बहन के साथ ही है। एक नंबर का ढीला कैरेक्टर है सर इसका। हर रोज किसी ना किसी से तो मार खाता है। जानबूझ के हाथ लगाता और बोलता है गलती से हो गया। कह रहा हूँ ना बहन, गलती से हो गया, जानबूझ के नहीं किया। मार क्यों रहे आप मेरे को? तू जैसे को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इसको पुलिस में लेके जाओ। अरे नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो मेरे को, छोड़ो। अरे छोड़ो छोड़ो सर, ऐसा लगना पड़ना है। लेकिन इसकी इन हरकतों को तंग आकर इसकी बीबी भी इसे छोड़कर चलेगी। और एक इंपॉर्टेंट बात सर, इसके पास उस शांति राम की औरत काम करती थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उस शांति के साथ भी इसका कुछ चक्कर चल रहा था। हफ्ते भर पहले शांति की मौत का केस, जिसे रोड एक्सीडेंट मानकर बंद कर दिया गया था, पुलिस ने उसे फिर से ओपन कर दिया, ये जानने के लिए कि क्या वाकई शांति की मौत एक्सीडेंट में हुई थी या फिर सच्चाई कुछ और ही थी। बंकर परिवार में शांति की जगह अब साक्षी ने ले ली थी, लेकिन सुजीत द्वारा उसके साथ बदतमीजी किए जाने के बाद भी वो वहां पर क्यों रुकी हुई थी, ये एक सवाल था। और बंकर परिवार की न्यूज़पेपर में छपी फोटो साक्षी के पास कहां से आई? साक्षी का वर्तमान सवालों से घिरा था, उसके अतीत के बारे में ज्यादा किसी को कुछ मालूम नहीं, और भविष्य में उसके साथ जो होने वाला था वो भी काफी भयावह था। यार से तूने मेरे को पिटवाया ना, मेरे सामने बड़ी सती सावित्री बन के घूमती रहती है। अब देख तेरे साथ क्या करता हूं। जी साक्षी कौन है? यहाँ बेटा, घबरू नको, सीए इकड़े। डरो मत, हमें तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। तुम अरुण बनकर के घर पर काम करती हो ना? तुम जब से वहां पर काम कर रही हो, ये सुजीत सालुंके ने तुम्हारे साथ कोई गलत बात की है? पता नहीं उस लड़की ने पुलिस से क्या बात करी होगी। उस लड़की ने अगर उनको सब सच बोल दिया तो? उसने पुलिस को कुछ भी बताया होता तो पुलिस तुम्हारे दरवाजे पर आ जाती। तुम टेंशन मत लो। अरे क्या टेंशन मत लो, मुझे टेंशन नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा है, वो भी उस लड़की पे, नहीं आप पे। अरे जिज्जा बदल क्या माहिती नहीं कायले, तिला माझ्या घरात आणून बसवले तुम्ही। वो लड़की जब से इस घर में आई है ना, मुझे डर सा लगा रहता है, और ये सब आपकी वजह से हो रहा है। अरे क्या जरूरत थी उसको पुलिस के साथ बात करने की? अजीब बात कर रही हो तुम। अरे पुलिस वाले अगर उस लड़की को कहेंगे कि मुझे तुझसे बात करनी है तो क्या बोलेगी? मना कर देगी, मुझे नहीं करना है। तुम टेंशन क्यों ले रही हो तुम? अरे क्या टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। अरे दिमाग दिया है ना, थोड़ा सोचो। उसने अगर पुलिस को सब सच सच बोल दिया ना तो हमारी कितनी बदनामी होगी। तुम शांत हो जाओ। देखो मैं एक महीने का एडवांस। आप कुछ मत करो, जो कुछ करना है ना मैं करती हूँ। हाँ चुप बैठा, कटी कट कट टोकेला करूं ठेले भजन सया करा। सर बंकर फैमिली के नई मेड के मुताबिक वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा है। हो सकता है नहीं है, इसलिए उसका प्रॉब्लम से सामना ना हुआ। यादव, हमने शांति के केस में एक जरूरी लिंक मिस किया है। आजकल तो हर एक के पास मोबाइल रहता है, लेकिन ये शांति के एक्सीडेंट स्पॉट पे हमें सिर्फ उसकी पर्स मिली है। लेकिन कोई बात नहीं, ये सुजीत है, उसका मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड्स दोनों निकलवाओ। अगर उसका और शांति का अफेयर था तो दोनों की बात भी ज़रूर होती होगी। और हाँ ये चेक करो, शांति के एक्सीडेंट के वक्त सुजीत के मोबाइल की लोकेशन क्या थी? अगर लोकेशन मैच की तो इसका मतलब ये एक्सीडेंट नहीं था। और शांति की मौत के दो महीने पहले तक के हर मैसेज के डिटेल्स निकालो। ओके सर। सर शांति के मौत के वक्त सुजीत के मोबाइल का लोकेशन एक्सीडेंट स्पॉट से आसपास ही था, और टेक्स्ट मैसेज के हिसाब से शांति सुजीत को ब्लैकमेल करती थी। शांति की मौत से पहले शांति ने सुजीत को एक मैसेज भेजा था और उसमें लिखा था कि ये बहुत हो गया तेरा आजकल आजकल, अगर शाम तक मुझे पैसे नहीं दिए तो पूरी दुनिया के सामने तुझे नंगा कर दूंगी। राधव इसका मतलब हमारा शक सही साबित हुआ कि शांति गाड़ी के सामने बैलेंस बिगड़ने की वजह से नहीं, सुजीत के धक्का देने की वजह से गिरी थी। सुजीत को उठा लो आप। ओके सर।
चल बोल, शांति को क्यों मारा? शांति तो एक्सीडेंट में मरी थी साहब। जो तूने करवाया था, अब ये बता, धक्का तूने दिया था कि किसी से दिलवाया था? नहीं साहब, मैंने धक्का नहीं दिया था, मैं उसको क्यों मारूंगा? क्योंकि तेरे उसके साथ संबंध है, इसकी वजह से वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रही थी, और कहीं वो सचमुच दुनिया के सामने तेरा सच न बोल दे, इसलिए तुमने उसे मार दिया। आप लोग जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ हुआ ही नहीं। जाधव, इसे प्यार से पूछना बचेगा नहीं, थोड़ा भारी हाथ चाहिए फिर बोलेगा ये। चल! मैं नहीं मारा उसको साहब। सुजीत के चेहरे से झूठ का मुखौटा खींचा तो ये सिलसिला कुछ यूं रंग लाया कि परत दर परत सच खुलता चला गया। शांति की दुर्घटना में हुई मौत कत्ल साबित हुई, लेकिन साक्षी से जुड़े कुछ संदेह और भी गहराते जा रहे थे। आखिर कौन थी साक्षी, कहां से और क्यों आई थी? क्या बंकर परिवार में उसकी मौजूदगी महज एक इत्तफाक था? पर इत्तफाक जैसा लग नहीं रहा था। किस इरादे से साक्षी इस घर में रुकी हुई थी? क्या चल रहा था उसके मन में? ऐसे बहुत से सवाल थे सामने, और अचानक इस केस ने एक ऐसा मोड़ लिया कि जो हुआ वो देखकर पुलिस दंग रह गई, और एक हादसे ने उनकी तफ्तीश की दिशा ही बदल दी। बॉडी खाली क्या? सर आ दो, आज हटो। सर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। गर्दन पर भी सिंगल निशान है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि जबरदस्ती लटकाई गई हो, तो शायद कुछ चीजें ऐसे अरेंज की हुई लग रही है। आपके घर में जब यह हादसा हुआ तब आप लोग कहाँ थे? रोहन कॉलेज में था, मैं ऑफिस में था, और सुमन बाजार गई थी। हम तीनों एक साथ वापस आए, देखा तो साक्षी पंखे से लटक रही थी। ये दरवाजा आपने आकर खोला या पहले से खुला हुआ था? सर दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ था। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सुसाइड के दो दिन पहले साक्षी के साथ किसी ने तो जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। अब रेप, कहीं इस रेप की वजह से तो उसने आत्महत्या नहीं की? तूने ही साक्षी का रेप किया था ना? सच बोल। सच बोल रहा हूँ साहब, अगर झूठ बोलना होता तो मर्डर के लिए भी बोलता ना। तू सच नहीं बोलेगा। जाधव इकड़िया। मुझे लगता है ये सच बोल रहा है। कत्ल कबूल कर लिया है तो फिर रेप के लिए झूठ क्यों बोलेगा? अब हमारे पास दो लोग बचे हैं जो ये काम कर सकते हैं, अशोक बनकर और उसका बेटा रोहन। क्या सर? सर मतलब आपका कहना है ये गंदा का मिस बनकर, प्लीज इंक्वायरी में दखल मत दीजिए। सर हम बहुत शरीफ लोग हैं। मिस बनकर, हमने अपने करियर में काफी शरीफ लोग देखे हैं। खैर फिलहाल आप ये बताइए, जो लड़की आपके घर में 24 घंटे रहती है, के साथ आपका पति और बेटा नहीं, और कौन ये काम कर सकता है? सर वो 24 घंटे यहाँ नहीं रहती थी सर, वो सुबह 9 बजे आती थी और 6 बजे निकल जाती थी। सर यहाँ पे नीचे जो मार्केट लगता है ना सर, वहाँ पे रामधारी करके एक सब्जी वाला है, उसके साथ वो रहती थी। अरे सुनो, ये रामधारी का ही ठेला है ना? हाँ सर। कहाँ गया वो आज? पता नहीं साहब, रोज तो आता है।
ये रहता कहाँ है? यहीं पीछे साई सब दिन चाल है, वहीं रहता है। ये रामदरी कहाँ रहता है? सब उत्तर नंबर। रामदरी? जी? साक्षी हमारा बेटी जैसी थी, हम उसके साथ में ऐसा काय करूंगा? हमको तो पता ही नहीं है सब, कौन उसके साथ में जबरदस्ती किया। और वो सुजीत है ना, वो कर सकता है सब। ये एक बार साक्षी पे हाथ डाल चुका है, बहुत गंदा नजर है उसका। इतना पैसा, इतना पैसा कहां से ले आ गई तू? मेम साहब ने दिया। वो बनकर मैडम, अरे दमड़ी को रोए वाली औरत है, इतना पैसा कैसे दे दी तेरे को? बोल ना। वो मेम साहब का भाव मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किया, इधर उधर छुआ मेरे को, तो वो मेरे को ये पैसे देके बोली कि मैं इसके बारे में किसी को नहीं बोलूं। सुमन, मेम साहब ने साक्षी को 10,000 रुपये दिए थे अपना मुंह बंद करने के लिए। साहब हम इसके लिए चुप बैठे थे, हैं? अगर शोर मचाएंगे तो लड़की की बदनामी होगी। साक्षी तेरी क्या लगती थी, कैसे जानता था उसे? हमारी तो कुछ नहीं लगती थी साहब, वो 6 साल पहले अपने परिवार के साथ में उसके गांव में फंस गए थे, वहीं जान पहचान हुई थी। फिर हमारा बीवी गुजर गया तो बम्बई चले आए, बहुत परेशान थी, बता रहे थे कि उसकी माँ गुजर गई है, कोई नहीं है उसका दुनिया में देखने वाला, और इसलिए तो उसका माँ बाप बन गया। अब क्या करेगा, हमको उस पर दया आ गई, अकेले थी, अनाथ थी, उसका कोई था नहीं, तो हम अपने पास रख लिए, बोली काम करना है तो काम पे भी लगा दी उसको। अरे सब कुछ सही चल रहा था, हम तो कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि लड़की पंखे से लटक कर अपनी जान दे देगी। सब वो सुजीत है ना, उसी ने इसकी इज्जत पे हाथ डाला होगा सर। तूने हमसे ये बात क्यों छुपाई कि तूने साक्षी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की? बदनामी के डर से सर, अगर ये बात लोगों को बाहर पता चलती तो क्या मुंह लेके बाहर निकलते हम? और क्या क्या छुपाया है हमसे? सब सब मैंने कुछ छुपाया नहीं सब, ये बात भी इसीलिए छुपाई कि आप मुझ पे डाउट करोगे। अबे तुम लोग काफी शरीफ हो, इतने के एक मजबूर गरीब लड़की के साथ होने वाले अत्याचार को पैसे देकर, धमकी देकर दबाने की कोशिश की। सुजीत का कैरेक्टर पहले से खराब था सर, और मैं नहीं चाहती थी कि ये बात लोगों को बाहर पता चले, इसलिए मैंने उसको वार्न भी किया था कि ऐसी गंदी हरकत वो दोबारा ना करे। और तुम्हें यकीन हो गया कि वो दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगा? साहब उसके बाद में मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं साहब, ताई ने मेरे को वार्निंग दी थी, सच बोल रहा हूँ साहब, ये मर्डर और रेप से मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्या लगता है जादव, सुजीत ने रेप किया है? सर मुझे नहीं लगता, वैसे भी मर्डर केस में 10-12 साल के लिए वो अंदर जा ही रहा है, तो ये रेप केस क्यों छुपा है? सर मुझे लगता है हमें डीएनए टेस्ट करवा लेना चाहिए। नहीं जादव, डीएनए टेस्ट के लिए टाइम लगेगा, पर हम सिर्फ उसके भरोसे नहीं रह सकते, और वैसे भी रेप लड़की के मर्डर के 2 दिन पहले हुआ है, तो डीएनए होना पॉसिबल नहीं होगा। एक काम करो, ये बनकर की बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज मंगवाओ, देखते हैं ये सुजीत और सुमन कितना सच बोल रहे हैं। ओके सर। सर साक्षी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत दोपहर को 3 बजे से 5 बजे के बीच में हुई, उस दिन के सारे सीसीटीवी फुटेज मैंने आगे के और पीछे के मार्क किए, जरा 11:30 के आसपास लाना एंट्रेंस का कैमरा। ये देखिए सर, 11:30 बजे रोहन कॉलेज के लिए निकल रहा है, 3:30 बजे का गेट का फुटेज दिखाओ। ये देखिए सर, 3:30 बजे अशोक और सुमन बिल्डिंग से बाहर निकले, अपने गाड़ी में बैठे और गाड़ी गेट से बाहर निकल गई। मैंने वेरीफाई किया कि 4:30 बजे तक अशोक ऑफिस में ही था, ऑफिस से आते वक्त उसने सुमन को मार्केट से और रोहन को कॉलेज से पिकअप किया होगा। जरा गेट का फुटेज दिखाओ 5:30 बजे का। ये देखिए सर, 5:30 बजे गाड़ी गेट से अंदर आई और ये तीनों बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं। अरे एंट्रेंस वाला फुटेज रिवाइंड करो। प्ले करो। पास पास। गेट वाला कैमरा। वापस एंट्रेंस वाला कैमरा। थोड़ा रिवाइंड करके दिखा। पास। यादव ये देखो, ये लड़की 4:25 पे अंदर गई है, 4:35 पे बाहर निकली है, और चेहरा भी दुपट्टे से ढका हुआ है, ये कोई पहचान ना ले इसलिए। साक्षी की मौत के साथ इसका कोई कनेक्शन तो नहीं है? यादव सोसाइटी का रजिस्टर से इसकी डिटेल निकालो।
ये रजिस्टर तुझे किसने दिया है? बाहर से आने वाले लोगों की एंट्री लेने के लिए ना? तो उस लड़की की एंट्री क्यों नहीं करवाई जिस वक्त साक्षी की मौत हुई? ये लड़की अंदर गई थी साहब, वो सीसीटीवी है ना, ये सर्च करने लिए। सीसीटीवी लोगों का चेहरा दिखाता है, लोगों के नाम डिटेल लेना तुम्हारा काम है। गलती हुआ साहब, माफ कर दो। ये सीसीटीवी फुटेज में जो लड़की दिख रही है, आप जानते हैं ये लड़की कौन है? नहीं सर, हम में से कोई नहीं जानता इसे। चेहरा तो समझ ही मैंने आ रहा है, पता कैसे चलेगा कौन है? मुंबई आने से पहले तुम साक्षी के गांव में रहते थे ना? हाँ। कौन सा गांव? कानेरी नाम का गांव है, कोल्हापुर में पड़ता है। कोल्हापुर? सुमन, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तुम अपने बेटे और पति पर शक कर रही हो? ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छे से याद है मैंने दरवाजा बंद किया था और जब आई तो दरवाजा खुला था। अच्छा, अपने घर की चाबी हम तीनों के अलावा और किसी के पास नहीं होती, इसलिए। देखो सुमन, तुम चाहो तो चेक करवा लो, मैं ऑफिस में ही था दिन भर। और आई, तुम कॉलेज में मेरी प्रेजेंस भी चेक कर लो, मैंने हर एक लेक्चर अटेंड किया है। सुमन, ऐसा तो नहीं कि ये दरवाजा तुमसे भूल से खुला रह गया? अब काई काई बोलते हैं तुम्हीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। देखो, ऐसी स्थिति में हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा, और रहा सवाल दोषी को ढूंढने का, तो वो पुलिस कर रही है, पुलिस ढूंढ लेगी उसे। आओ ताई आयता। हाँ बोलो। 2 महीने पहले यहाँ एक साक्षी नाम की लड़की अपने आई के साथ रहती थी। ओ। उसका घर कहाँ है? ते पुढे वळे ने ना, तेथून उजवीकडे जावा ते। ये घर कब से बंद है? 2 महीने हो गए साहब। कौन कौन रहता है इस घर में? साक्षी, उसकी विधवा माँ और बड़ी बहन। साक्षी को बड़ी बहन दी है? हाँ। क्या नाम है उसका? अर्पिता। 3 महीने पहले ये माँ बेटी कहीं पे चले गए। गांव में अफवाह थी कि ये कहीं पे काम ढूंढ रही हैं। सबको लगा कि इनको काम मिल गया, वो चले गए। साक्षी अकेली नहीं है, उसकी एक बड़ी बहन भी है जो उसके साथ ही मुंबई आई थी, और ये तुझे पता था, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? सब सच बोल रहे हैं, उसकी बड़ी बहन के बारे में हमको कुछ नहीं पता साहब। मालूम होने की क्या जरूरत है? उसके गांव में रहता था ना, तूने कभी अर्पिता को आते जाते नहीं देखा? सब गांव में हमारा घर बहुत दूर दूर था। साक्षी छोटी थी तो बच्चों के साथ खेलते खेलते हमारे पास आ जाती थी, उसकी बड़ी बहन को कभी देखा नहीं। उसने तुझे अपनी माँ के बारे में बताया था, तो अपनी बहन के बारे में तुझे झूठ क्यों बोलेगी? यही तो हमको नहीं मालूम है साहब कि साक्षी ने हमसे झूठ काहे बोला, अपनी बड़ी बहन के बारे में हमको काहे नहीं बताया। पर हम सच बोल रहे हैं साहब, हमको नहीं मालूम कि उसको कोई बड़ी बहन भी थी। जैन सर। सर, ये इस गांव के सरपंच है। नमस्कार। और ये साक्षी का घर जो पिछले 2 महीने से बंद पड़ा है। तोड़ दो ताला। तीनों का फोटो मिलता है कि नहीं? ठीक है। सरपंच जी, आपके गांव में कोई है तो कुएं में उतर सकता हो? हाँ, बुलेट हो। सरपंच जी, क्या लगता है किसकी बॉडी होगी? कुछ पहचान में आ रही है? हालत बहुत बिगड़ी हुई है साहब, पर लगता है साक्षी की माँ है। सर, ये साक्षी के पास में फोटो मिला था। ये फोटो कहाँ से है तेरे पास? उधर ही घर पे पड़ी मिली मेरे को। ये तो बनकर फैमिली की फोटो है और डेट 3 महीने पुरानी है, मतलब साक्षी जब मुंबई आई थी तो
उसके पहले ये फोटो अखबार में छप चुकी थी। तो तुम्हें कुछ बताया था इस फोटो के बारे में? नहीं साहब, खुद तो नहीं बताई। हम जब पूछे हैं कि फोटो कहाँ से मिला है तो बताया उसने कि बंकर साहब के घर से मिली थी। ठीक है, तुम जा सकते हो। जी सर। सर, कोल्हापुर से साक्षी की माँ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उनकी मौत तो 2 महीने पहले हुई है। बॉडी 2 महीने से पानी में पड़ी थी, इसलिए मौत का ठीक टाइम बता नहीं सकते। शायद उनकी मौत निमोनिया की वजह से हुई हो। यादव, ये जो पेपर कटिंग है वो 3 महीने पुराना है और वो 2 महीने पहले मुंबई आई थी। इसका मतलब वो किसी प्लानिंग के तहत बनकर फैमिली में घुसी थी। उसका कोई ना कोई मोटिव था उस घर में घुसने का। सर पता नहीं ये पेपर उसके पास कहाँ से आया। वैसे साक्षी के साथ हमारा कोई भी रिश्ता नहीं था, ना दूर का ना पास का। मिस्टर अशोक बनकर अभी कहाँ मिलेंगे? सर घर पे ही थे वो। मैंने उन्हें बताया भी कि आप लोग आ रहे हो, लेकिन कुछ काम में भूल के बाहर निकल गए, कुछ बता के भी नहीं गए। राधा, अशोक बनकर को फोन लगाओ। सर फोन स्विच ऑफ आ रहा है। इस अशोक का इन सारे हादसों के साथ जरूर कुछ ना कुछ वास्ता है। दादा, अशोक के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और उसका एक फोटो कोल्हापुर पुलिस स्टेशन भी भेज दो और उनसे कहो कि पता करो इस अशोक और साक्षी का एक दूसरे के साथ क्या कनेक्शन है। ओके सर। सर बनकर के बिल्डिंग से जो सीसीटीवी फुटेज मिला है उसमें जो लड़की दिखाई दे रही है, कहीं वो अर्पिता तो नहीं? हम मान भी रहे कि वो अर्पिता है, लेकिन वो अपनी छोटी बहन को क्यों मारेगी? साक्षी सिर्फ मरी नहीं है बल्कि उसके साथ रेप हुआ है, तो वो किसने किया है? मर्डर स्पॉट पर लास्ट अर्पिता थी। अगर ये अर्पिता हमारे हाथ लग जाए काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। सर अगर ये किसी के प्लानिंग का हिस्सा है तो शायद अर्पिता के साथ भी अब तक कुछ हुआ होगा। सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाली लड़की आखिर कौन थी? उसने अपना मुंह क्यों ढका हुआ था? और अगर वो अर्पिता थी तो वो कहाँ थी और किस हाल में थी? क्या वो जिंदा भी थी या फिर अपनी माँ और बहन की तरह मर चुकी थी? अशोक अचानक क्यों लापता था? कहां था वो? साक्षी और उसकी मां को किसने मारा था और मारने के पीछे मकसद क्या था? सवालों की छड़ी थी और रहस्य की परतें गहराती जा रही थी। सर बनकर फैमिली के लैंडलाइन कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर ऐसा मिला है जिस पर दोपहर को 2 से 4 के बीच में अक्सर बातें हुआ करती थी, लेकिन जब से साक्षी की मौत हुई है ना ही इस नंबर से फोन आया है और ना ही इस नंबर पर फोन किया गया है। ये नंबर कॉल ट्रेसिंग पर डाल दो, पता करो ये नंबर किसका है। ओके सर। हम गए लास्ट में, बैठ गाड़ी में। मैंने क्या किया? चलो। बिना किसी रोना धोना और नाटक के साफ साफ बताओ साक्षी को क्यों मारा? कौन साक्षी साहब? तुम्हारी छोटी बहन। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, इसमें यह साफ साफ दिख रहा है इस वक्त साक्षी की मौत हो गई। उस वक्त तुम उसी बिल्डिंग में थी। साहब मैं सच बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। हेलो, क्या ठीक? बाजू आ रहे, चलो बच्चे, चलो बेटी। सर लगता है इसने खुदकुशी की है। नहीं, मरा नहीं अभी तक, नर्व चल रही है इसकी। इसे फटाफट वैन में डालो, इसका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेटर तुम्हारे हाथ से गिरा था जिसमें लिखा है कि तुमसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है, इसके बाद तुम जिंदा नहीं रहना चाहते। तो ऐसी क्या गलती हो गई कि तुमने आत्महत्या करने की सोची? मैं तुझे सड़क पे से उठा के लाया और तू हमारे खिलाफ पुलिस में बयान देती है?
अरे तेरे जैसे लोग तो घर में रखने लायक नहीं है। पता नहीं किसका पाप है, क्या देख रही है? आंखें निकाल लूंगा तेरी, समझी? थोपड़ा तोड़ दूंगा। और क्या कर सकते हो बोलो, और क्या कर सकते हो? चुप, चली जाए यहाँ से, वरना नंगा करके मारूंगा। तो करो, करो ना नंगा। तू ये मत सोचना कि मैं ये कर नहीं सकता, चली जा मैं कहता हूँ। नहीं कर सकते क्योंकि आप नहीं कर सकता। अभी तेरी औकात तुझे दिखाता हूँ, चल चल। ये क्या कर रहे हो आप? ये क्या कर दिया आपने? इसके बदले में मैं तेरे को ढेर सारे पैसे दूंगा, ले। आपने अपनी बेटी के साथ, ए! बकवास बंद कर। तू मेरी बेटी कैसे हो सकती है? मैं आप ही की बेटी हूँ, और अर्पिता ताई भी। कानेरी गांव कोल्हापुर से आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ आए, सोचा मौका मिलते ही आपको बताएंगे कि मैं आपकी मैं हम दोनों की बेटी हूँ। बहुत बड़ी गलती हो गई साहब मुझसे, मैंने अपनी लड़की का अरे क्यों बचा लिया मुझे आप लोगों ने? मुंबई पुलिस ने फोटो भेजा है आपको देखने के लिए, देखो आप पहचानते हैं इसे? ये कौन है साहब? ये तो अशोक है, साक्षी और अर्पिता का बाप। ये जिंदा है दीदी? मुझे बस इतना पता है कि 10 साल पहले बाबा मुंबई नौकरी ढूंढने आए थे, और फिर वो गांव वापस कभी नहीं आए। 2 साल के बाद उनके मौत की खबर आई साहब। आई ने बड़ी मेहनत मजदूरी करके हम दोनों को पाला साहब। जिस दिन मजदूरी नहीं मिलती थी ना साहब, हम भूखे ही सो जाते थे। 2 महीने पहले आई भी निमोनिया से मर गई साहब। आई आई हमारे पास अंतिम संस्कार के भी पैसे नहीं थे। हमने सोचा हम मुंबई आके नौकरी ढूंढेंगे साहब, पैसे कमा के हम आई का अंतिम संस्कार कर लेंगे। मुंबई ने मेरी साक्षी को भी मुझसे छीन लिया साहब। साहब मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली, और फिर एक दिन मेरे गांव वाला मुझे मिला। उसने मुझे बाबा के घर का पता और उनके घर का नंबर दिया साहब। वो नंबर पे मैंने फोन किया साहब। अर्पिता ताई, तुम बाबा के घर क्या कर रही है? मैं बाबा के घर पे ही हूँ, यहाँ पे काम कर रही हूँ। बाबा को सब सच बताना है ताई। मैंने उससे कहा कि हम सही समय आने पे बाबा को सब सच सच बता देंगे साहब। और फिर एक दिन साहब जब मैं उस घर पे गई तो साक्षी को उस तरह देख के मुझे समझ नहीं आया साहब मैं क्या करूँ। अशोक बंकर को अपनी ही बेटी के बलात्कार के लिए और सुजीत सालुंखे को शांति के कत्ल के लिए गिरफ्तार किया गया। दोनों इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है। मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को सीख हम सबको। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.